ओम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जॉब्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत सारी मतलब आई है, लेकिन मैं आपको उसके बताऊंगा उसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, लास्ट डेट उसकी क्या है, एजुकेशन उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, और किन किन पोस्टों पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और किस महकमे में आई है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हमने जाना है गूगल पे। गूगल पे हमने लिखना है फाइंड पार्क जॉब। फाइंड पार्क जॉब लिखने के बाद हम इसे क्लिक करेंगे। जो सबसे पहले लिंक आएगी उसे हम क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। जॉब जो आई है CDA, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट जॉब 2020। इसमें बहुत सारी पोस्ट पे जॉब पाई। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है या जिसमें भी क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं उस पर आप अप्लाई कर लें इजीली। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर के बहुत सारी पोस्टें आई हुई हैं। तो इसमें कोई भी आप अपनी मर्ज़ी के जो इसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं या आपको इजी लगती है या उसमें आप महारत रखते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर देख सकते हैं कि ऑपरेटर थिएटर के लिए टेक्नीशियन हो गई है, और बहुत सारी जो है एडजट बहुत सारी इसमें आई हुई है। कुक का हो गया, हेड कुक हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, टेलर हो गया, गार्ड हो गया, सारी चीज़ें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, स्टोर कीपर पे है, बहुत मतलब A to Z बहुत सारी इसमें वैकेंसी आई हुई है। आइए इसमें और मज़ीद चलते हैं कि इसकी एजुकेशन क्या है। एजुकेशन अगर आप प्राइमरी से स्टार्ट इसकी एजुकेशन होती है। अगर आपके पास प्राइमरी से ज़्यादा एजुकेशन है तो इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो है इसकी 5 जुलाई 2020 है। तो 5 जुलाई 2020 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐड आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको ऐड बड़ा कर देता हूँ, अगर आप देख लें। इसमें जो है ना प्रोविंशियल कोटा वाइज है, कोई मेरिट पे है, कोई जो है ना सिर्फ सिंध के लिए, कोई KPK के लिए, कोई पंजाब के लिए, अलग अलग जो है ना पोस्टों पे अलग अलग डिवीज़न वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पोस्ट पे जो है ना KPK भी अप्लाई कर दे और बलूचिस्तान वाला भी, सिंध वाला भी, पंजाब वाला भी, ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसी पोस्ट है जिसपे जो इन्होंने मौके दिए हैं सबको जो है ना कि एक ही जो है ना पोस्ट पे इतने इतने मेरिट होगा और इतने जो है ना KPK से इतने अप्लाई कर सकते हैं, और फाटा से इतने अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब से इतने अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ये भी आपको बता दूं अप्लाई करने का तरीका कार क्या है। सबसे पहले आप जाएंगे www.cda.government.pk, इस पे जाएंगे। वहाँ पर आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फॉर्म आपको मिलेगा, वहाँ से आप ऑनलाइन हो या सो आप अप्लाई कर फुलफिल करने के बाद उसको इजीली अप्लाई कर दें। ठीक है, सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दूसरे उसके लिए तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, वो है मिनिस्ट्री फॉरन अफेयर्स। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसमें क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, किन पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं आप। लास्ट डेट तो आप देख चुके हैं जुलाई 2020, 11 जुलाई को, यानी 2020 को, यानी इसके भी अभी तक आपके पास टाइम है। जिन पोस्टों पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिकेशन असिस्टेंट हैं, देख सकते हैं ड्राइवर है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, नैब कासिद है, ठीक है, बहुत सारे इसमें भी जो है अपर डिवीजन क्लर्क है, टेक्नीशियन है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम तालीम प्राइमरी होनी चाहिए, उसके बाद मिडल, मैट्रिक, इंटर, जितनी ऊपर तालीम आपकी होगी उसके मुताबिक आपको पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट आपको मालूम हो चुकी है 11 जुलाई है 2020। ऐड आपके स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, तो ऐड देख सकते हैं। इसमें भी जरा कोटा वाइज ही है, यानी इसमें ये सिस्टम दिया है कि एक ही पोस्ट पे 5-6 लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंध के भी, KPK के भी, पंजाब, बलूचिस्तान, लेकिन एक कोटा वाइज है। अच्छा, इस पर आप कैसे अप्लाई करना है, इस पर अप्लाई करने का तरीका कार ये है कि इसके नीचे जो है ना फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म का आपने फिल करना है, और ऊपर जो है ना एड्रेस इसमें दिया हुआ है उस एड्रेस पे आपने जो है ना सेंड कर देना है। ठीक है, जिस भी पोस्ट पे आप जो है ना इंटरेस्ट रखते हैं कि मुझे इस पोस्ट पे अप्लाई करना है तो फॉर्म आपके सामने, इसको आप फिल करें। ठीक है, फिल करने के बाद दिए हुए एड्रेस पर आप उसको सेंड कर दें। उम्मीद है कि आप जो है ना इस पर सेलेक्ट हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक ऑन टाइम पहुंच सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।